क्लास टेंथ अगेन आई एम के एन मिश्रा, वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ बायोलॉजी। इन चैप्टर नंबर वन वी हैव स्टडीड अबाउट वेरियस सिस्टम्स, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स। नाउ फ्रॉम टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आफ्टर दैट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हमको दोनों का पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन। पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स का, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। स्टूडेंट्स एज यू नो, एज वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास 9, दैट ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस गैसेज एंड डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, मिनरल्स, वेस्ट मटेरियल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑल दीज थिंग्स इन द बॉडी। ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ दिस रीजन ब्लड इज ऑल्सो नोन एज कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, LCT। ब्लड इज नोन एज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू गिव यू सम नॉलेज अबाउट ब्लड वेरी स्पेशली। नंबर वन, इट इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, एज आई टोल्ड यू इट इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड हैज अ लिक्विड मैट्रिक्स नोन एज प्लाज्मा, प्लाज्मा इन विच सॉलिड मटेरियल, सॉलिड पार्टिकल्स आर एम्बेडेड। व्हाट आर दोज सॉलिड पार्टिकल्स, व्हाट आर दोज सॉलिड मटेरियल्स, दोज सॉलिड मटेरियल्स आर आवर ब्लड कार्पसल्स, ब्लड सेल्स लिख दे रहे हैं, ब्लड सेल्स। एंड दीज ब्लड सेल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कार्पसल्स, WBC वाइट ब्लड कार्पसल्स एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। दीज आर थ्री पार्ट्स ऑफ आवर ब्लड। हम तो वैसे कई बार आपको बता चुके हैं, एक बार और बता रहे हैं, ब्लड की स्टडी अगर हमको कन्वीनियंट फॉर्म में करनी है तो वी शुड डिवाइड ब्लड फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू इट्स लिक्विड एंड सॉलिड पार्ट, लिक्विड एंड सॉलिड पार्ट। इन लिक्विड पार्ट ऑफ द ऑफ ब्लड, ब्लड प्लाज्मा, पुट डाउन हियर ब्लड प्लाज्मा। एंड इन सॉलिड पार्ट ब्लड कार्पसल्स, ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, ये बताने की जरूरत है नहीं कि कार्पसल्स क्यों कहते हैं, सेल क्यों नहीं कहते, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं इसलिए इसको हम सेल नहीं कह सकते, इसको हम कार्पसल्स कहते हैं। अब ब्लड प्लाज्मा तो ब्लड प्लाज्मा है, कार्पसल्स जो है वो जैसा यहाँ पे लिखा गया है इट मे बी ऑफ RBC, WBC एंड प्लेटलेट, दीज थ्री टाइप्स। आउट ऑफ दीज ब्लड प्लाज्मा इन आवर ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। ब्लड प्लाज्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। वेरियस सॉल्ट्स ऑल्सो डिजॉल्व इन दिस ब्लड प्लाज्मा, नाइट्रोजिनस वेस्ट आर ऑल्सो डिजॉल्व इन दिस ब्लड प्लाज्मा। ब्लड में का जो RBC है, रेड ब्लड कार्पसिल, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। RBC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन टू होल बॉडी, क्लियर। सो RBC एंड ब्लड प्लाज्मा बोथ हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। बट वन क्वेश्चन अराइजेज हियर, फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पज वी शुड हैव अ पंपिंग ऑर्गन विच पंप ब्लड इन टू होल बॉडी, दिस इज फर्स्ट थिंग। नाउ सेकेंड थिंग, देयर शुड बी अ प्रॉपर नेटवर्क कवरेज एरिया इन आवर बॉडी। इट मीन्स मैनी थिन कैपिलरीज शुड प्रेजेंट इन ईच टिश्यू, इन ईच सेल ऑफ आवर बॉडी। सो दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नाइसली रिटन इन योर बुक हियर दैट वी शुड नीड
और प्रॉपर नेटवर्क फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड पार्टिकल्स इन आवर बॉडी एंड देयर शुड बी अ सिस्टम विच इंश्योर दैट दिस नेटवर्क सिस्टम कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज. अगर डैमेज हो जाए तो रिपेयर भी हो जाए, इस बात का हमको इंश्योरेंस भी चाहिए. किससे? सिस्टम से. कौन सा सिस्टम? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. क्लियर हो रहा है? अब इसके बाद तो हमारे पास पंपिंग ऑर्गन कौन सा है? पंपिंग ऑर्गन हमारे पास है हार्ट. ठीक है, और इसी का हमने डायग्राम आपको दिया है होमवर्क में. ये दिस इज होमवर्क फॉर टुडे. ड्रॉ फिगर 6.10. ड्रॉ फिगर 6.10. 6.10 में है क्या? 6.10 में स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट है. स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट दिया हुआ है, उसका सेक्शनल व्यू दिया हुआ है, लेकिन ये सेक्शनल व्यू एक्चुअल नहीं है, ये स्कीमेटिक है. यहाँ पे ये डायग्राम है, आपको ये डायग्राम बनाना है. दिस वन फिगर 6.10. क्लियर? हियर ब्लू पार्ट शोज कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड एंड दिस मसल कलर पार्ट शोज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन हार्ट. क्लियर? सो ड्रॉ दिस डायग्राम. ड्रॉ फिगर 6.10. योर डायग्राम शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन. योर डायग्राम शुड बी वेल लेबल्ड. थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में कि वी शुड हैव पंपिंग ऑर्गन हार्ट. एंड सेकेंड थिंग, वी शुड हैव एन अरेंजमेंट ऑफ कैपिलरीज ऑफ वेसल्स बाई विच थ्रू विच द ब्लड कैन ट्रेवल. Those blood capillaries are of two types. First type is arteries and second type is veins. There are many differences in between arteries and veins. In arteries, number one, blood always move from heart towards organ in case of arteries, whereas in case of veins just opposite, from organs towards heart. This is first basic difference between arteries and veins. Second thing, valves are present. Here valves are absent. No valves inside the veins. Clear? Plus, draw figure 6.10 as I have given you in homework and revise whatever we taught today in this heading of transportation. Revise whatever taught today. This is all for today, students. Stay home and be safe. Thank you, classmates.